जो है मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री बनने दे, तो इतने सीनियर लीडर, सीजन लीडर और इतने ईमानदार लीडर जो इस भारतीय जनता पार्टी में थे, उन सब को दरकिनार कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी जी थे, अडानी अडवाणी जी थे और न जाने कितने जो है सीनियर लीडर थे इनके पास, उन सब को जो है दरकिनार करके कर दिया गया। अगर ये इतने अच्छे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि राजधर्म का जो है पालन हो, वो राजधर्म का पालन कहाँ हुआ? पालन तो केवल एक ही व्यक्ति को जो है, पूंजीपति को जो है, हम दो, हमारे दो परिवारों को चलाने में हो रहा है। देश की गरिमा को ये नहीं समझते हैं, साथ ही ठोक कर कहते हैं कि मैं अकेला जो है सारे देश पर भारी हूं। अरे क्या भारी हो गया? बेरोजगारी आप नहीं देख रहे, महिलाओं की सुरक्षा आप नहीं देख रहे, गाय बजाय जो है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें जो है लोगों को मिल नहीं रही है। यहाँ तक कि अगर हम आवाज नहीं उठाते तो इन लोगों ने तो कफन पे भी जो है जीएसटी लगा दिया था, नोटबंदी इन्होंने की। इतिहास का, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे बड़ा काला धन है जो ये कहते थे कि हम लेकर आएंगे, लेकर आए नहीं कुछ भी। बाबा जी का ठुल्लू जो है जनता को हाथ में दिया इन्होंने और कहने को छाती ठोक के कहते हैं। शिवम चावड़ा जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, जवाब दीजिए। संध्या जी, एक भी आरोप स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप चाहेंगी मुझको एक भी आरोप स्पेसिफिक बता दीजिए जिसका मैं उत्तर दे सकूं। मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि पहले आपकी आम आदमी एक स्पेसिफिक एलिगेशन बताइए, किसका जवाब मैं दूं? एक स्पेसिफिक एलिगेशन बताइए जिसका आप मुझसे उत्तर चाहती हैं। भाई आरोप लगा अडानी पर, हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, मैं इसको बहुत दावे से कह रहा हूं, आपके स्टोव पर हाइडेनबर्ग क्या है, क्या संस्था है, क्या उसकी पृष्ठभूमि है और क्या उसकी रिपोर्ट है, इसके बारे में अगर डिटेल रूप में कोई बता देगा तो मैं आपका शो छोड़ के चला जाऊंगा, आपसे भी माफी मांग लूंगा। दूसरी बात, मैं किसी को चैलेंज करने नहीं है, ना किसी की जानकारी। आपकी बात बड़ी धैर्यपूर्वक सुनी, मैंने तो कुछ कहा नहीं साहब, मुझे भी बोलने दीजिए। आपने तो अनाप शनाप पता नहीं भगवान जाने कौन कौन एलिगेशन लगा दिया। एक स्पेसिफिक एलिगेशन लोगों को बताओ ना मेरे भाई, एक स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है कहने के लिए। आप अडानी की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री से, आप अडानी की रिपोर्ट पर सर आप प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं, कितनी कितनी छोटी सी बात आप कर रहे हैं, कितनी निम्न स्तर की बात आप कर रहे हैं। आप एक हिंदुस्तानी को बढ़ते नहीं देख सकते। आपने तो गुजरात के ऊपर आक्षेप लगा दिया कि साहब गुजराती बढ़ रहे हैं, गुजरात ऐसा खा गए। किस तरह की मानसिकता आप रखते हैं, ये आपके शो पे आपने अपने आप को सिद्ध कर दिया। रही बात अभी आपने कही, अभी हम सुनते का मुझे अधिकार दे दो। मान लिया राहुल गांधी की पार्टी से है लेकिन मुझे भी तो अपनी बात कहने का अधिकार होगा ना सर। मैंने आपकी बात में कोई इंटरजेक्टर नहीं किया, मेरे को भी बात कहने दीजिए। अभी आम आदमी पार्टी की हमारी प्रवक्ता बहन ने वहां से बोल दिया कि आप पता नहीं कौन कौन से आरोप लगाए। मैंने कहा ना, इतने आरोप अगर लग गए, अनर्गल आरोप जिसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, जिसका कोई प्रधानमंत्री से लेना देना नहीं है, एक निजी कंपनी पर, निजी कंपनी अपने आप में मतलब उत्तर देने के लिए सक्षम है, उसने पब्लिक डोमेन में उत्तर दे दिया है, उसकी जिस प्रकार से रीच हुई है, उसकी जिस प्रकार से हाइट उसने गेन करी है, जो उसके प्रॉफिट्स हुए हैं, ये वो उसका प्रेरोगेटिव है। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का प्रेरोगेटिव नहीं है। इसलिए मैं किसी बात पे उत्तर देने के लिए आपको बाउंड नहीं हूं। मैं दूसरी बात आपसे कह देता हूं, और मैं तो आरोप भ्रष्टाचार की आप आरोप कह रहे हैं, मेरे को तो ये बता दीजिए, दिल्ली के अंदर सरकार में होने के बाद भी दिल्ली सरकार का एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट के आदेश पर जेल में है। भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट के आदेश पर जेल में है। अरविंद केजरीवाल उसको शील्ड करते हैं, उसका मंत्री पद नहीं लेते, डिपार्टमेंट कहते हैं छोड़ दीजिए लेकिन मंत्री रहेगा साहब। अब आप बताइए कौन सही और कौन गलत। बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिल्ली के अंदर में, आपने दिल्ली के अंदर में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, आप लगातार सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी, आने वाले दिनों के अंदर में आप देख लीजिए। आपको मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, आपने एक वो चंद्रशेखर साहब का नाम सुना होगा जिसने जेल से कहा कि साहब मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता हूं कि साहब कौन सी गाड़ी में कितनी पेमेंट मैंने दी। मनीष सिसोदिया इसके अंदर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।